कृष्णा, तो आज हम श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक, छठे अध्याय के अंतिम श्लोक को This meeting is being recorded. अभी समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में मेरे पास उतना ज्ञान है नहीं कि मैं मतलब कंटिन्यूअसली बोल सकूं, तो मैं सोच रहा था कि इसको, ये फॉर्मेट को भी हम लोग भक्ति वृक्ष के फॉर्मेट के तरह ही पढ़ेंगे, छोटा छोटा सेक्शन लेंगे और फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा. थैंक यू प्रभु। ठीक है, तो इसमें मुझे एक मदद लगेगा कि कोई हिंदी के तात्पर्य को एक एक लाइन में पढ़ेंगे। मेरे पास इंग्लिश का भागवतम है, तो कोई हिंदी के तात्पर्य को एक एक लाइन पढ़ेंगे तो फिर हम, ठीक है। जय श्री राधा माता जी। ठीक है, ओके। तो आज का श्लोक है, यतो प्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहम चान्य इमे देवास तस्मै भगवते नमः। तो यहाँ पे आप समझ, मतलब जैसे मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि यतो प्राप्य, प्राप्य का अर्थ क्या है? अप्राप्य, बेसिकली यहाँ पे डैश है ना प्राप्य के ऊपर, तो यतो अप्राप्य। तो अप्राप्य का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है अप्राप्य का अर्थ क्या है? यस, जो मापा नहीं जाता है. करेक्ट। प्राप्य का अर्थ है जिसको सीमित किया जा सकता है, अप्राप्य का अर्थ है कि जिसको मापा नहीं जा सकता। तो अप्राप्य मीन्स बीइंग अनेबल टू मेजर। निवर्तनता, निवर्तनता का अर्थ है कि छोड़ देते हैं लोग, छोड़ देते हैं। कौन लोग छोड़ देते हैं? जो आगे के इसमें शब्दों में बताया गया है, वाचस् च मनसा सह अहम्। तो जो भगवान को अपने वाचा से, मन से और अपने अहंकार अहम से नहीं समझ सकते, वो छोड़ देते हैं भगवान को जानना, ठीक है ना। तो उसके बाद लास्ट में कैसे बताया गया, अहम चान्य इमे देवास। इतने ही लोग नहीं कि जो ऐसे, जो कौन समझ सकते, मतलब ये सब शब्द कौन बोल सकते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं ना, कि मैं अपने बुद्धि से भगवान को समझूंगा, या तो अपने वाचा से समझूंगा, या तो अपने अपने बलबूते पे मैं समझूंगा, ये सब बुद्धिमान लोग ही बोल सकते हैं। लेकिन मैत्रेय मुनि यहाँ पे बताते हैं वो भी नहीं। इनफैक्ट जो देवता है, जो सारे इंद्रियों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो लोग भी नहीं समझा सकते। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं अहम चान्य इमे देवास। तो अभी क्या किया जा सकता है अगर ये लोग भी नहीं समझा सकते? कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने ज्ञान से कोशिश करते भगवान को समझाना, अगर वो भी नहीं समझा सकते, तो फिर इवेंचुअली क्या करना है? तस्मै भगवते नमः। तो हम और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना कि जहां चलती नहीं है वहां नमस्कार कर देना चाहिए, कि अभी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप ही समझाए, वैसे। ठीक है, तो अभी ट्रांसलेशन का पहला लाइन माता जी हिंदी में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन का फर्स्ट लाइन। प्रभु मैं पढ़ू अपने जय श्री राधा माता जी पढ़ रही है माता जी, आगे का अपने तात्पर्य में चाहे तो आप एक और लाइन पढ़ लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण. अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं. थैंक यू माता जी। तो अभी हम लोग ये पूरे चैप्टर का नाम क्या है, कोई बता सकता है? ये भागवतम के चैप्टर का नाम क्या है? यस, उदयनगा माता जी, करेक्ट। विश्व रूप की सृष्टि. तो विश्व रूप के बारे में बता रहे हैं मैत्रेय ऋषि विदुर जी को, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें समझी है ना, जैसे अभी ललिता माता जी ने भी हम लोग को एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाया था, जिसमें कौन से देवता किसके लिए किसके आधार है, मतलब अपने शरीर पे सारे देवता है, तो हर एक अंग के, हर एक फंक्शन के देवता है। तो हम लोग छोटा सा ऐसे रिविजन कर लेते हैं, तो आंख के देवता कौन है? आंखों के ऊपर कौन बैठता है? सूर्यदेव. सूर्यदेव। थैंक यू प्राची माता जी। और कान के ऊपर, कान के देवता कौन है? अदन नहीं प्रभु, देवता. हाँ, डायरेक्शंस, द कंट्रोलर ऑफ डायरेक्शंस, जो लॉर्ड ऑफ डायरेक्शंस है ना, वो कान के देवता है। ईगो, ईगो अहंकार के देवता कौन है? यस, रुद्र. रुद्र, करेक्ट। रुद्र अहंकार के देवता है। और फिर मन के देवता कौन है? मन मन के ऊपर कौन से देवता बैठे रहते हैं? चंद्रदेव. चंद्रदेव मून. आई थिंक इट इज ब्रह्मा वेर आई एक्चुअली रेड, इट इज ब्रह्मा. या इट्स ब्रह्मा।
ओके तो वर्ड्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड्स, ये शब्द बोलने की शक्ति कौन से देवता से आती है? और कोई ट्राई करना चाहेगा? अग्नि प्रभु जी, स्पीच। यस, अग्नि, अग्नि इज द देवता फॉर वर्ड्स। और फिर पैलेट, टेस्ट, टेस्ट कौन से देवता से आता है? आपके, आपका ये भी होता है, उसमें एक सेशन भी होता है, तो करोगे सब? वरुण देव। करेक्ट, करेक्ट, वरुण देव है ना। और आर्म्स, आर्म्स के देवता कौन है? जो अपने भुजाए है उनके देवता कौन है? इंद्र। यस, इंद्र, इंद्र। थैंक यू, थैंक यू प्रभु। तो ये जो सारे देवता है, इंद्र, ये सारे जो है हमारे शरीर के एक एक अंग के, वो अंग के ऊपर रिसाइड करते हैं ताकि वो चल सके। लेकिन ये सारे देवता भी जो है वो भगवान को नहीं समझ सकते, वो हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में कैसे हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो जय श्री राधा माता जी, सेकंड लाइन पढ़िए। अतएव हमें विवेक पूर्ण उन्हें सादर नमस्कार करना होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे विवेक पूर्ण, तो विवेक पूर्ण का शब्द का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है विवेक पूर्ण का अर्थ क्या होता है? यस, जय श्री राधा माता जी। प्रभु जी, विवेक का अर्थ होता है सही और गलत को समझना, मतलब सही क्या है और गलत क्या है, इसको विभाजन करना। करेक्ट। तो इसका बुद्धि का इस्तेमाल करके आप समझ सकते हैं ना, सही है क्या, गलत है। तो इसको बुद्धि में, बुद्धि से इस्तेमाल करके आप जैसे कोई चीज को करते हो तो उसको विवेक बोलते हैं। तो फिर ये जो इसमें ऐसे बताया गया, विजडम, विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। यस, तो विजडम, आप ऐसे इसमें तो बताया गया है कि आप विजडम के थ्रू भी भगवान को नहीं समझ सकते। तो एक्चुअल में जो ज्ञानी रहेगा, जो सच्ची में सबको बताया है, सब कुछ बताया, कि वो उसका, उसका निष्कर्ष ये रहेगा कि मैं भगवान को, जो बुद्धिमान है, जैसे बुद्धिमान शब्द आता है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ सकता है कि मैं अपने बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकता। लेकिन जो बुद्धू रहेंगे वो क्या करेंगे, नहीं, मैं अपने ज्ञान से, अपने बल से मैं समझने का प्रयास करूंगा। तो ये फर्क हो जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि इवेंचुअली उसको समझ में आ जाएगा कि मैं अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकता, पूरी तरह तो बिल्कुल नहीं समझ सकता, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कुछ लेवल तक भगवान को समझने के लिए। ये बुद्धि और बुद्धिमान का अंतर है। ठीक है, अभी हम लोग तात्पर्य की तरफ जाते हैं। तात्पर्य का ओके, मंजूवाशिनी माता जी आप पढ़ना चाहेंगे पहला लाइन तात्पर्य का? जी प्रभु, हरे कृष्ण। तात्पर्य, उपमांडुक गणना करने वाला यह आपत्ति उठा सकता है, यदि श्री भगवान वाणी मन तथा अहंकार के नियंता देवों द्वारा, जो कि क्रमशः वेद, ब्रह्मा, रुद्र तथा बृहस्पति तथा अन्य देवता हैं, अज्ञे हैं, तो फिर भक्तगण इस अज्ञात पात्र में इतनी रुचि क्यों दिखाएं? इसका यहाँ बस माता जी, बस इधर पर एक सेकंड। तो यहाँ पे एक शब्द आता है कूपमंडुक, है ना, एक कूपमंडुक। तो ये कूपमंडुक का अर्थ कौन बता सकता है? ये पहले के श्लोकों में भी आया है ये शब्द कूपमंडुक, इसका अर्थ क्या? फ्रॉगिश कैलकुलेटर, इंग्लिश में ऐसे वर्ड आता है। यस पुनीता माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा, जो अपने सीमित ज्ञान के आधार पर आकलन करते हैं, जैसे कुएं का मेंढक होता है, वो अपने कुएं, मतलब एक कुएं में रह रहा है, उसी आधार पे सोचता है कि बस यही दुनिया है उसकी। तो जो लिमिटेड उसमें रहते हैं सोच, जिनकी सोच लिमिट में है। करेक्ट, थैंक यू माता जी। तो वही है कि कूपमेंडुक मतलब एक जो कुएं में रहने वाला फ्रॉग जो रहता है ना, मेंढक, तो वो, उसको अगर कोई बाहर से आकर बोलते हैं आपको बताए समुद्र कितना बड़ा है, तो वो अपने दिमाग से समझाने का प्रयास करेगा। वो बोलेगा, वो अपने आप को हवा मतलब फुगाएगा, बोलेगा अच्छा इतना बड़ा है, बोले नहीं नहीं इससे भी बहुत बड़ा है, तो और फुगाएगा, बोले इतना बड़ा है, बोले नहीं नहीं इससे भी बड़ा है, तो और फुगाएगा। ऐसा फुगाते फुगाते वो फट जाएगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा कि समुद्र एक्चुअल में कितना बड़ा है। तो ऐसे ही जो है, जो सीमित बुद्धि वाले लोग हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते। यहाँ पे कहा गया कि वाई शुड द डिवोटीज बी सो इंटरेस्टेड इन दिस अननोन ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली ये जो अभक्त लोग रहते हैं ना, उनका हमेशा ऐसे ये रहता है, हमारा एक ड्रामा भी होता है इसमें छोटा सा, तो उसमें हसुबा माता जी ने शायद एक्टिंग किया था, तो ये कियारा और
उनके बेटी ने शायद कैसे पूछ रहे थे कि अरे ये हरे कृष्णा वाले करते क्या है पूरे दिन, हरे कृष्णा जब कैसे कर सकते हैं। तो ये उन लोग को समझ में नहीं आता है ना, वो लोग बोलते हैं कि जब ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते, शिव जी नहीं समझ सकते, इंद्र नहीं समझ सकते, तो ये भक्त लोग क्या करते रहते हैं पूरे दिन, हरे कृष्णा करते रहते हैं, जब करते रहते हैं, इनको कैसे समझ में आएगा क्या मतलब ये करते क्यों है ये सब चीजें, ऐसे वो लोग सोचते हैं। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आगे प्रभुपाद जी ने हमें समझाया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। यस प्रभु जी, इसका उत्तर यह है कि भक्तों को भगवान की लीलाओं को जानने में जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह निश्चय ही अभक्तों तथा मानसिक चिंतकों के लिए अज्ञात है। थैंक यू माता जी। तो इसमें कैसे बताया गया है, अभक्त और मानसिक चिंतक ये जो है ना, ये लोग नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि अभक्त भगवान तो देखिए वैसे भी अपने आप को मतलब आच्छादित किए रहते हैं उनके भगवान के सामने, मतलब आप भक्त भी नहीं देख सकते भगवान को, क्योंकि भगवान के सामने पर्दा रहता है जब तक, जैसे अभी वो भक्ति नॉट ब्रह्म संहिता में कैसे ये है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन न, तो जब तक आपके आंखों में प्रेम का अंजन नहीं लगा हो तो तब तक तो हम भगवान को देख ही नहीं सकते। ये तो भक्त का कंडीशन है। तो समझो अभक्त जो है उनके तो आंखों में समझ लो ऑलरेडी मोतियाबिंदु हो चुकी है और भगवान भी पर्दा लगा चुके हैं, तो फिर उनको कैसे दिखाई देगा, तो वो तो देख ही नहीं सकते ना भगवान को। और फिर ये तो एक कैटेगरी अभक्त के। और दूसरे कैटेगरी क्या है, मानसिक चिंतक। मानसिक चिंतक कैसे लोग रहते हैं कि मेंटल स्पेक्युलेटर, जो सोचते हैं कि भगवान ऐसे हो गए वैसे हो गए, मेरे मन के हिसाब से भगवान ऐसे। तो फिर यहाँ पे एक्चुअली मैं सार्वभौम प्रभु जी का भी एक लेक्चर सुन रहा था, तो बोलते हैं कि बहुत सारे लोग आकर बोलते हैं कि मैं ना मन में जप करता हूँ। तो बोले मन में जप करते हो, तो फिर अभी ठीक है, बोले ठीक है, फिर दोपहर को आ जाता है प्रसाद लेने का वक्त आता है, तो प्रभु जी बोलते हैं तो आप एक काम कीजिए अभी मन से ही खाना भी खा लीजिए। तो मन से अगर आपको खाना नहीं खाना है लेकिन जप आपको मन से करना है तो ये कैसे चलेगा? आपको अगर खाना खाने के लिए खाने की वस्तु चाहिए तो आपको जब भी तो अच्छे से मुंह खोल के करना है ना, अच्छे से सुन के श्रवण और कीर्तन दोनों करते हुए समझना है जप को। तो ऐसे ओके, थर्ड लाइन, सॉरी थर्ड उसके बाद वाला लाइन। यस, यदि कोई दिव्य ज्ञान का आनंद आस्वाद नहीं कर लेता तब स्वाभाविक है कि वह अपने चिंतन तथा मनगढ़ंत निष्कर्षों से वापस लौट आएगा, क्योंकि वह उन्हें न तो वास्तविक मानेगा न आनंदवर्धक। थैंक यू। तो ये जो सेंटेंस है ना, इसमें हमें समझ में आता है कि जो भी भक्त है या फिर जो नौसिखिया है, जो नया है, न्यू डिवोटी है, जो भी इस्कॉन में जुड़ता है या फिर भगवान का नाम जप करने लगता है, उनको कुछ ना कुछ तो रियलाइजेशन हुआ है भगवान के बारे में, है ना। अभी समझ लो कि कीर्तन किया या फिर प्रसाद लिया, फिर या तो दर्शन किया है, तो कथा सुना, किसी में तो ऐसा कुछ चीज उनको आस्वादित हुआ है जिसके वजह से वो कंटिन्यूअसली करना चाहते हैं वो चीज, है ना। नहीं तो अगर जैसे अभी यहाँ पे आगे बताया गया है कि जो जिन्होंने ये चीज कभी टेस्ट ही नहीं किया है, वो लोग इसके ऊपर ऐसे लोगों को करते हुए देखकर बोलेंगे कि ये तो पागल लोग है ना, ये लोग क्यों एक ही चीज करते जा रहे हैं, ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको खुद को स्वयं टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो भक्त है या फिर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, न्यू कमर्स है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट आया रहेगा, है ना। यहाँ पे भी मैं उम्मीद करता हूँ सबको जो यहाँ पे बैठे हुए, उन्होंने कुछ ना कुछ तो स्वाद लिया रहेगा, ऐसा स्वाद जो भौतिक पदार्थों के ऊपर है, उनको उससे ज्यादा आनंद प्राप्त हुआ है, इसके लिए वो एक चीज कंटिन्यूअसली करते जाते। नहीं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो एक ही चीज भौतिक चीज जो है वो वापस करते जाए। नहीं तो जनरली भौतिक चीजों में अगर कोई एक ही गलती वापस करते जाएगा तो वो व्यक्ति को पागल कहा जाता है ना। नहीं तो लेकिन भक्ति ऐसा चीज है, आपको एक बार उसमें टेस्ट आ गया ना, तो फिर आप कंटिन्यूअसली उसको करना चाहोगे, भक्त करना चाहेंगे, माला करना चाहेंगे, जप में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, कीर्तन सुनने में इंटरेस्ट आएगा, या तो कथा सुनने में इंटरेस्ट आएगा, प्रसाद खाने में मैं तो डेफिनेटली मानता हूँ सबको इंटरेस्ट है, वो क्योंकि प्रसाद ऐसा चीज है जो आपको मटेरियल चीजों में भले ही आप वही सेम चीज खाए, लेकिन आप जब प्रसाद खाते हैं तो आपको कुछ तो अलग एलिवेशन मिलता है उस प्रसाद खाने से, है ना। तो ये जो हम लोग जब सुनते हैं कि कुछ तो आनंद मिलता है, तो आनंद का जब शब्द आता है तो हमें शिक्षाष्टकम से एक वाक्य याद आ जाता है। कोई बता सकता है शिक्षाष्टकम में एक
वाक्य है जहाँ पे बताते हैं कि जो ये भक्ति जो है आनंद वर्धक है, तो ये आनंद बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा। कोई बताना चाहेगा वो कौन सा लाइन है? आनंदाम्बुदे वर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम। थैंक यू माता जी। तो ये आनंदाम बुद्धि वर्धनम, वर्धनम मतलब बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, आप जितने बार करोगे उसके उतना बढ़ते जाएगा आपको बढ़ते जाएगा, इसलिए आपको आनंद मिलता है जो आप भगवान की भक्ति करते हैं या फिर कीर्तन और जब जो भी करते हैं उसमें सब आपको कुछ ना कुछ आनंद मिलेगा, जिससे वो जो आनंद बढ़ते जाएगा आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। भक्तगण कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है, जैसे कि वैदिक स्रोतों में पुष्टि हुई है, ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यति सूर्यः। माता जी वो भगवत गीता 15.15 आल्सो कंफर्म्स, वो भी बता दीजिए। भगवत गीता 15.15 में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य। थैंक यू। तो हाँ, यहाँ पे कैसे बताया गया है कि जैसे अभी जो पहले वाले लोग हैं जिनको स्वाद नहीं मिला है, वो लोग तो कभी इसके ऊपर फोकस भी नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी करते रहते लोग पागल है। लेकिन भक्त भक्तों का खासियत क्या है कि उनको विश्वास तो है कि भगवान है और भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई भगवान नहीं, इस बात का विश्वास भक्तों को ऑलरेडी रहता है। तो फिर यहाँ पे कैसे बताया गया ना उस श्लोक जैसे, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरया। यहाँ पे सूरया का अर्थ है देवतागण, तो देवतागण भी भगवान पश्यन्ति विष्णु भगवान को नमन करते हैं या प्रणाम करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। तो फिर कैसे है ना कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार पूछा था अपने डिसाइपल्स को कि आप लोग सब लोग विश्वास करते हैं कि भगवान कृष्ण है, तो वहां पे डिसाइपल्स लोग थोड़े हिचकिचा गए, बोले कि भगवान कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो विश्वास तो करना है कि भगवान कृष्ण ही है, वो समझने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि वो ये बात जो है ना उतना आसान नहीं है, क्योंकि देवता लोग जैसे ब्रह्मा शिव जी ये लोग भी नहीं समझ पाते। यहाँ पे अभी जब हम लोग लास्ट 2-3 लेक्चर से सुन रहे थे ना कि जैसे ब्रह्मा जी कौन है, चार सिर वाले वेदों के अध्ययन करते मतलब वेदों के रचयिता, ऐसे ब्रह्मा जी है। वो भी जब आते हैं इसमें वृंदावन में जब देखते हैं भगवान को, बोलते हैं कि ये कैसे ब्रह्म, ये परब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये जो हम लोग वेदों के बड़े बड़े मंत्र बोलने के बाद भी भगवान जब प्रसाद लेते नहीं है ग्रहण नहीं करते, यहाँ पे वो अपने मित्रों के साथ झूठन खा रहे, मित्रों का झूठन खा रहे, ये भगवान हो सकते हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। ऐसे ये ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे परम ब्रह्म हो सकते, ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं। फिर वो उसके बाद आगे इंद्र भी कैसे है कि अभी ब्रह्मा जी के साथ जाके विष्णु भगवान को प्रार्थना करते हैं कि अरे हमारी रक्षा करो, मेरे जो मेरी माता के कुंडल है ये भौमासुर ने चोरी कर लिया है, और फिर वो वरुण जी का छाता भी चोरी कर लिया है, आप आकर हमें रक्षा कीजिए, हमारा सहायता कीजिए। तो भगवान आते हैं उनके पास और वो भौमासुर का वध करके वो सारे चीजें लाकर देते हैं उनको, कुंडल लाकर देते हैं, वरुण जी का छाता लाकर देते हैं, और छाता लाकर देते हैं तो सब हाँ थैंक यू बहुत अच्छा है ऐसे बोल दिया। और जैसे ही भगवान वापस जाते रहते हैं, उन्होंने पारिजात का वृक्ष उठा लिया, तो बोलते भाई तुम कौन, तुम कैसे लेकर जा सकते हो, ये पारिजात का वृक्ष कैसे लेकर जा सकते हो, अभी थोड़े मिनट पहले आपने बोला था कि अरे भगवान आप हमें भौमासुर से रक्षा कीजिए, हमें सारी चीजें लाकर दे, उन्होंने मदद किया उनको, और अभी के अभी भूल गए कि ये भगवान है, भगवान कृष्ण है। तो यहाँ पे बता गए कि ये देवतागण भी नहीं समझ पाते कि ये कौन है, भगवान कृष्ण कितने महान है। तो ऐसे ना और भी बहुत सारे ये आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं। कोई बता सकता है कि और 2-3 एक्चुअली यहाँ पे बताया गया है कि इसमें 8 एग्जाम्पल है। अब भगवान कृष्ण जब आते हैं तो 8 देवता लोग हैं जो ये हो गए थे, विमोहित हो गए थे भगवान कृष्ण को देख के। एक दो और एग्जाम्पल्स कोई बता सकता है तो कोई ट्राई करना चाहे। जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब ही समुद्र मंथन हुआ था और भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया था, तभी शिव जी उनके ऊपर आकर्षित हो गए थे। करेक्ट। थैंक यू माता जी। और कोई एक एग्जांपल दे सकता है?
तो एक दो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया था कैसे कि जब सांदीपनी मुनि थे ना शायद, उनके जब आश्रम में जाते हैं तो फिर उनके बेटे जो रहते हैं वो ये गुजर चुके रहते हैं, तो वो जब भगवान कृष्ण और बलराम जाते हैं यमराज जी के पास, तो यमराज जी के पास जाकर बोलते हैं कि अभी उनको दे दो, तो फिर वो पहले मानते नहीं है कि नहीं नहीं हम कैसे दे सकते हैं, वो तो आ चुके हैं अभी यमलोक में आ चुके हैं, उनको हम नहीं दे सकते। तो भगवान जब अपना शंख बजाते हैं युद्ध का तैयारी करते हैं तो वो डर जाते हैं, फिर आकर प्रणाम करते हैं, नहीं नहीं भगवान आप लेकर जाइए इन दोनों को। तो ऐसे यमराज जी भी है, फिर जैसे माता जी ने बोला रुद्र शिव जी भी है, शिव जी का तो एक और है जहाँ पे वो मैं राक्षस का नाम भूल गया, उनके उनके साथ युद्ध करने के शिव कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन अनिरुद्ध जो है ना, उनको एक जगह पे, मैं स्टोरी नहीं समझाना चाहता, सॉरी बाणासुर ना, बाणासुर करेक्ट, बाणासुर। तो ये बाणासुर जो है शिवजी का बहुत महान भक्त रहता है, तो उनसे ये बाणासुर ने ऐसे आशीर्वाद मांगा रहता है शिवजी से कि जब भी मैं कष्ट में आऊंगा तो आप मेरा सहायता करने के लिए आना चाहिए। तो फिर ये जब कृष्ण भगवान का ये लीला में कैसा होता है कि वो बाणासुर के ऊपर अटैक करता है तो शिवजी भी आ जाते हैं लड़ने के लिए, फिर नहीं 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 ऐसे कैसे मेरे भक्त को कैसे आप ये कर सकते हो, तो कृष्ण और भगवान और शिवजी के बीच में भी युद्ध हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, देवता लोगों को समझना इतना मुश्किल है। तो यहाँ पे एक और अंडरस्टैंडिंग ये है कि तीन तीन श्रेणी है, थ्री लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम सुप्रीम पर्सनालिटी। कोई बता सकता है जो तीन श्रेणी क्या है? यस ललिता माता जी, ब्रह्मन परमात्मा और भगवान। तो यहाँ पे ऐसे समझाया जाता है ना कि ब्रह्मन को मानना आसान है, कि आप एग्जांपल दो कि भगवद्गीता में बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे बोलते हैं ना कि सूर्य की किरणें, अगर आप ब्रह्मन को समझना चाहते हैं तो कैसे समझ सकते हैं कि सूर्य की किरणें जो है उसको आपको सूर्य की किरणों पर विश्वास करने के लिए उतना कुछ मेहनत नहीं लगता। आपने देख लिया सुबह हो गया सूर्य की किरणें आ गए, ठीक है सूर्य की किरणें हैं तो ब्रह्मन है। अगर आपको परमात्मा के बारे में समझना है तो सूर्य ग्रह के बारे में अगर समझना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, घर के बाहर जाकर देखना पड़ेगा सूर्य कैसा है, सूर्य कैसे दिखता है, उसमें से रोशनी कैसे दिखती है, या चंद्र कैसे दिखता है उसमें से रोशनी कैसे दिखती है, तो वो करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको समझना है भगवान की, अगर कोई किसी व्यक्ति को बोल दे कि एक्चुअल में ना एक व्यक्ति है विवस्वान जिनकी वाइफ का नाम है छाया, जिनके बेटे का नाम शनि है, वो इस ग्रह पे रहते हैं और उनके रथ के ऊपर बैठ के वो जब घूमते हैं तो फिर वो जो सूर्य है सूर्य मंडल का रोशनी निकलता है, ये अगर आप किसी को जाकर बोलेंगे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले के दो समझ सकता है लेकिन तीसरे चीज के लिए विश्वास की जरूरत है कि नहीं भगवान है वहां पे, कोई तो है व्यक्ति पीछे जिसके वजह से सब कुछ चल रहा है ना। तो भगवान ये चीज समझने के लिए मुश्किल है। यहाँ पे आप देखते हैं कि जो देवता लोग है ये भी विमोहित हो गए, लेकिन भक्तों के लिए ये आसान है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग जब भगवद्गीता पढ़ते रहते हैं ना, भगवद्गीता में पढ़ोगे तो तीन चार व्यक्तियों के बीच में ये संवाद है ना, कौन कौन है ये चार व्यक्ति कोई बता सकता है? अर्जुन, कृष्णा, संजय एंड धृतराष्ट्र। करेक्ट, थैंक यू मधु माता जी। तो ये चार व्यक्तियों के बीच में संवाद है। तो आप देख सकते हैं वेद व्यास जी ने जब इन चारों चीज लोगों के बारे में एक्सप्लेन किया तो वो श्लोक के ऊपर क्या लिखते हैं, धृतराष्ट्र उवाच, धर्म अर्जुन उवाच, या फिर संजय उवाच, लेकिन जब कृष्ण भगवान बोलते हैं तो फिर क्या लिखते हैं, श्री भगवान उवाच, है ना, श्री भगवान उवाच। यहाँ पे वो अगर हम भी ब्रह्म है मतलब हम भी भगवान है, तुम भी भगवान और सब भगवान है, तो वेदव्यास जी तो सब जगह लिखते थे श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच श्री, लेकिन वैसे नहीं, वेदव्यास जी ने प्रॉपर कैटेगराइजेशन किया है कि जो बाकी के तीन लोग है ये भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ एक है इस कन्वर्सेशन में, और जो है भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे ऐसे भी बताया गया है कि बहुत सारे शास्त्रों में जहाँ पे विष्णु जी का नाम आता है वहां पे भी हर जगह पे श्री भगवान उवाच ही लिखा जाता है। भगवान और भी लोगों को कहा गया, जैसे गुरुदेव को कहा गया या तो ब्रह्मा जी को भी कहा गया है, लेकिन वहां पे सिर्फ भगवान उवाच है, श्री भगवान उवाच जहाँ पे भी आता है, श्री भगवान जहाँ पे भी आता है तो वो या तो मतलब लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु के बारे में बताया गया है या तो राधा और कृष्ण के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे श्री भगवान उवाच जहाँ पे भी लिखा रहेगा तो आपको सिर्फ भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के बारे में ही बताया जाएगा। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान, इसलिए भक्तों के लिए बहुत आसान है कि ये भगवान कौन है ये समझने के लिए या विश्वास करने के लिए, भगवान सिर्फ श्री कृष्ण है ना।
ओके तो इसके बाद वाला लाइन पढ़ेंगे। एक्चुअली यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे अभी भगवत गीता 15.15 में भी कंफर्म हो चुका है ना, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाह, ऐसे बताया गया वेदांत वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य, सारे वेदों में मेरे बारे में ही बताया गया है या भगवान कृष्ण के बारे में ही बताया गया, ऐसे समझाया गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन माता जी। मनुष्य को वैदिक ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान कृष्ण को जानना चाहिए और व्यर्थ ही अहम अर्थात मैं शब्द के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। थैंक यू। तो ये मैं कैसे जान सकता हूँ तो कि भगवान कौन है, भगवान कैसे, तो यहाँ पे बताया गया है कि अहम, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मैं कोशिश करूंगा मेरे मेरे हिसाब से या मेरे आइडिया से या मेरे ज्ञान से भगवान ऐसे। यहाँ पे कैसे बताया गया, श्रील प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं एक सेंटेंस में, इन माई ओपिनियन यू आर अ फूल, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर ओपिनियन, मतलब आपके ओपिनियन का क्या वैल्यू है, वैल्यू खाली शास्त्रों और ग्रंथों के बारे में बताया गया है। तो ये भक्त हमेशा एक्चुअली रोज श्रीमद भागवतम और ये सब पढ़ते हैं ना, तो फिर उसमें कैसे बताया गया कि माता जी भी एक्चुअली एग्जाम्पल देती है कि इफ लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड विष्णु इज आवर फादर देन हु इज आवर मदर, ये सॉरी प्रकृति मदर नेचर, नो 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 शास्त्र, यस शास्त्र वेदास आर आवर मदर। तो ये जब क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी को पूछना है कि मेरे पिताजी कौन है, तो ये परफेक्ट आंसर कौन दे सकता है, ये सिर्फ माँ दे सकती है ना, मदर दे सकती है। तो फिर यस, तो वेदास जो है वो हमारे माँ के समान है, तो वेदास बताते हैं कौन है आपके पिता, परम पिता कौन है, तो वो बताते हैं भगवान कृष्ण है। हम लोग अभी ये श्रीमद भागवतम पढ़ रहे हैं ना, तो श्रीमद भागवतम को हम लोग समझ सकते हैं कि पहले 9 स्कंद में सिर्फ बताया गया है कि भगवान कौन है, सिर्फ ये समझाया गया कि भगवान कौन है, भगवान मतलब भगवान का मतलब कैसे है, उनका कितना शक्ति है, भगवान कौन है, ये सब चीजें सिर्फ 9 स्कंद पहले 9 स्कंद में बताया गया, और 10वें स्कंद में बताया गया भगवान करते क्या है। तो आप ये पहले 10वें स्कंद में जाने के पहले हम लोग को 9 स्कंद में समझना चाहिए कि भगवान कौन है। हालांकि हमारा बुद्धि उतना नहीं कि हम पूरी तरह समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम लोग समझे कि भगवान कौन है। तो इसलिए एक्चुअली इसमें ये है लेसन है कि हमें इसलिए श्रीमद् भागवतम रोज पढ़ना चाहिए, रोज क्लास अटेंड करना चाहिए, जिससे हमें समझ में आए कि भगवान वास्तव में है कौन। ठीक है, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पढ़िए माता जी। परम सत्य को जानने की एकमात्र विधि भक्ति है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्य चास्मि तत्वतः। थैंक यू माता जी। हाँ तो फिर यहाँ पे कैसे बताया गया, द ओनली मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सुप्रीम ट्रूथ इज डिवोशनल सर्विस एज स्टेटेड इन द भगवत गीता 18.55। तो जो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान को समझने के लिए एक ही तरीका है, क्या है, क्या है, डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा जो है वो वही एक तरीका है भगवान को समझने के लिए। वैसे जो ज्ञान है, ज्ञान से हम लोग कौन से लेवल तक पहुंच सकते हैं, अभी हम लोग ने 3 स्टेजेस बताया ना कि अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम पर्सनैलिटी, तो ज्ञान से हम लोग कौन से लेवल तक पहुंच सकते हैं, कोई कोशिश करना चाहेगा, ज्ञान से हम लोग कहाँ तक समझ सकते हैं, परमात्मा तक पहुंच, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, तो ज्ञान से हम लोग ब्राह्मण तक पहुंच सकते हैं। योग जब करते हैं, योग आसना और सिद्धि, हम लोग जब वो सब अष्टांग योग और सब जब करते हैं, तो हम लोग परमात्मा के लेवल तक पहुंचते हैं। और फिर बाद में जब भगवान ही थी जो वो जो है वो सिर्फ हम लोग कैसे ना भक्तिमय सेवा जब करेंगे तभी हम लोग परमात्मा भगवान के लेवल पर पहुंचेंगे। और कैसे ना आनंद जो है डेफिनेशन कैसे है कि समझ कैसे सकते हैं, ज्ञान में सत है या कैसे बोलेंगे कि ट्रूथ, एंटायर ट्रूथ, आप ज्ञान से ट्रूथ को समझ सकते हैं, योग से या योग से जब परमात्मा समझेंगे तो चित एटर्नलिटी एटर्नल जो चीज है, लेकिन जो भगवान जो फीचर है उसमें सत चित और आनंद तीनों है। ज्ञान में प्रॉब्लम कैसा है कि आपको उतना आनंद नहीं मिले, आनंद है वहां पे थोड़ा, ब्रह्मानंद करके बोलते हैं उसको, आनंद है, लेकिन वो अगर आप भक्ति के मुकाबले देखने चाहोगे तो एकदम बिंदु के समान, एकदम छोटे डॉट के समान है। अगर
जैसे भक्ति अगर समुद्र को पकड़े तो जो ज्ञान के थ्रू आपको जो आनंद मिलेगा ना, एक स्मॉल डॉट के समान है, बिंदु के समान। तो यहाँ पे एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी भी आगे के इसमें बता दे कि सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मानंदी थे, मतलब वो ज्ञान में ही सब कुछ भगवान को समझने का प्रयास करते, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान की लीलाओं के बारे में सुना, ऐसी लीलाएं जो आत्मा जो कैसे ना एटर्नल कैसे बोलते हैं वैरागी लोगों को भी जो आकर्षित कर देता है, ऐसे ज्ञान के बारे में भगवान के बारे में जब सुना तो बोले कि नहीं नहीं अभी मेरे को भक्त बनना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ज्ञान में उतना आनंद नहीं है जितना भक्ति में आनंद है। तो यहाँ पे एक्चुअली किसी के पास भगवद गीता है तो 11.54 का कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकता है? 11.54 हाँ पढ़िए माता जी, हिंदी में है जी प्रभु जी। 11.54 उसका तात्पर्य पढ़ू क्या? अनुवाद पढ़ू? अनुवाद 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 है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्ण। तो इसमें कैसे ना श्लोक में शब्द आता है ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम। तो तीन शब्द है ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम। तो यहाँ पे आप समझ रहे जो भगवान के भक्त है वो ज्ञान भी उनको ज्ञान भी है, वो सेकंड लेवल परमात्मा के लेवल पे भी है और भगवान के भी लेवल पे। और इसमें एक अच्छा सा छोटा सा जोक आता है। तो कैसे होता है ना कि एक प्रोफेसर या फिर एक कोई तो व्यक्ति रहता है जो आम के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, तो ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कैसे ना आम मैंगो के बारे में एक लेक्चर देता रहता है, तो फिर वो व्यक्ति कैसे है वो एग्जाम्पल देता है कि आम कैसा दिखता है, आम हरे रंग का रहता है, पीले रंग का आता है, आपूस आम आता है, कोल्हापुरी कोंकण आपूस आता है, रत्नागिरी आपूस आता है, लंगड़ा आता है, फिर तोतापुरी आता है, ऐसे सब डिस्क्रिप्शन देता है कि ऐसा है ऐसा है। तो उसके लेक्चर में जो है 50 लोग बैठे रहते हैं, तो 50 लोग बैठे रहते हैं, वो 40 लोग उठ के चले जाते हैं, बोलते ठीक है हमें समझ में आ गया कि भगवान मतलब आम क्या है, आम कैसे दिखता है, आम का रंग क्या है और कौन से टाइप के आम होते हैं। तो उसमें से जो 10 में से जो 9 जन रहते हैं ना वो आते वापस उसके पास, वो पूछते कि अच्छा आपने बोल तो दिया कि आम कैसे होता है ऐसे होता है, आप दिखा सकते हो क्या कि आम कैसा है? तो फिर वो अपने झोले में से निकालते 4-5 टाइप के आम दिखाते, देखो ये तोतापुरी है, ये आपूस है, ये है, ये वो है। तो ये जो आगे के 9 लोग रहते हैं ना वो लोग भी देखकर अच्छा बोले ठीक है हमने देख लिया चलते हैं। तो फिर आखिर में एक व्यक्ति बैठा रहता है, तो जो प्रोफेसर रहता है वो पूछते हैं कि आप क्यों बैठे हुए? तो व्यक्ति बोलता है अरे एक्चुअली पंडित जी ऐसा बोलता था, अरे पंडित जी आप इतने देर से आम रखे हो वो गल जाएगा, उसको थोड़ा काट के हमें भी तो खिलाइए तो हमें समझ में आए कि इसका स्वाद कैसे होता है। तो कैसे ना ये भक्त लोग थर्ड लेवल के, कैसे उनको पता है कैसे दिखता है, कैसे रंग है उसका, क्या शेप है वो भी है, और कैसे मतलब सेकंड लेवल भी है कैसे दिखता है वो भी पता है, और वो स्वाद भी कर चुके हैं कि उनको पता है कि टेस्ट कैसे आता है, कि भगवान के भक्ति में टेस्ट क्या रहता है। तो ये एक्चुअली इसमें हम समझ सकते हैं। ठीक है माता जी नेक्स्ट लाइन। हरे कृष्ण। हाँ, केवल भक्ति द्वारा यह जाना जा सकता है कि परम सत्य भगवान है और ब्रह्म तथा परमात्मा उनके अंश है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बता सकते हैं, तो ये ब्रह्म और परमात्मा जो है ये फीचर्स ये भगवान के अंश है। तो अभी कोई मेरे को बता सकता है कि ये परमात्मा जो है ये कौन से विष्णु है? हम लोग ने पढ़ा था एक्चुअली 3 विष्णु के बारे में, और फिर विष्णु ये शिरोदक्षाय विष्णु है। तो अगर आपको समझना है कि पार्शियल फीचर्स ऑफ परमात्मा एग्जिस्ट इन मटेरियल नेचर, ये जो है परमात्मा का जो फीचर है ये सिर्फ ये मटेरियल वर्ल्ड में है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। परमात्मा आते ही इस मटेरियल वर्ल्ड में ताकि सब कुछ चलायमान होना, नहीं तो सब कुछ एकदम स्थिर रहेगा, कुछ हिलेगा नहीं, तो फिर वो उसके लिए आते। तो इसको हम समझ कैसे सकते हैं कि परमात्मा कैसे दिखते हैं? तो फिर इसमें भी एक एग्जांपल ऐसा है कि सूर्य को कैसे दे, सूर्य तो एक ही है ना, आप कहीं पे भी जाओ नीचे आपको ऊपर दिखेगा सूर्य है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे घड़े हैं जिसमें आप तेल भर के रखो तो फिर आपको सब में सूर्य दिखाई देगा, है ना। तो ये जो सूर्य के प्रतिबिंब जो है ये परमात्मा फीचर के जैसे है, जो सब जगह है, लेकिन ओरिजिनल जो डीटी है ओरिजिनल एक ही है, एक ही भगवान विष्णु है।
ठीक है, ये इसको हम लोग समझ सकते हैं परमात्मा कैसे देखा जा सकता है। तो ये परमात्मा के कार्य क्या है ये अगर समझना है तो हम लोग भगवदगीता 13.23 का जो ट्रांसलेशन है ना, अगर कोई पढ़ सकता है 13.23 का ट्रांसलेशन। मैं पढ़ू प्रभु जी? यस माता जी पढ़ू। तात्पर्य पढ़ना है जी? अनुवाद अनुवाद ट्रांसलेशन सॉरी। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो शरीर जो ईश्वर है परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि परमात्मा का कार्य क्या है। परमात्मा इज ही इज ओवरसियर एंड परमिटर एंड द ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर। तो ये जो है ये एक्चुअली परमात्मा के कार्य है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 10th लाइन माता जी पढ़िए। एक्चुअली थोड़ा फास्ट जाते हैं, लेट हो गया, मुझे लगता है मैंने बहुत टाइम ले लिया। इसकी पुष्टि इस श्लोक में महर्षि मैत्रेय द्वारा की गई है। वे भक्ति भाव से भगवान को भगवते सादर नमस्कार नमः करते हैं। आगे भी पढ़ू माता जी? फुल पढ़ी लीजिए, मैं पूरा एक्सर ले लेता। मनुष्य को मैत्रेय तथा विदुर महाराज परीक्षित एवं सुखदेव गोस्वामी जैसे महर्षियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए और यदि वह उनके परम स्वरूप को जानना चाहता है जो कि ब्रह्म तथा परमात्मा के ऊपर है तो उसे भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा में लग जाना चाहिए। थैंक यू माता जी। तो ये जो है ना यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट कंक्लूड करूंगा। तो मैत्रेय ऋषि ने कन्फर्म कर दिया है कि कोई भी नहीं समझ सकता भगवान को लेकिन भक्त समझ सकते हैं भगवान को। ये कंफर्मेशन है वहां पे सेकंड लास्ट लाइन में। और फिर उसके बाद कैसे बताता है कि तो अभी भी किसी का अगर डाउट हो कि कैसे ना कि मेरे को अभी भी ज्ञानी बनना है नहीं लेकिन मेरे को अभी भी योगी बनना है तो फिर भगवान भगवद्गीता में बताते भी है कि एक्चुअली भगवद्गीता में बहुत सारे उपदेश है लेकिन आदेश एक ही है। कोई बता सकता है आदेश एक आदेश भगवान ने क्या बोला है? उपदेश बहुत सारे हैं, कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो ऐसे बहुत सारे उपदेश बताए गए। सरेंडर सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान बोलते हैं कि सब चीजों को छोड़ो आप सिर्फ मेरे शरण में आओ मेरी भक्ति करो। एक और श्लोक कैसे मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशिष्ट पति जाने प्रियो सिंह। तो यहाँ पे बता देते हैं कि आप वो सब ठीक है मैंने बहुत सारे उपदेश दिए लेकिन मेरा आदेश ये है कि आप मेरा भक्त बनो मैं आपको उद्धार कर दूंगा आपका उद्धार कर दूंगा। तो अगर कोई व्यक्ति आकर बोले नहीं नहीं फिर भी मेरे को ज्ञानी बनना है नहीं ना मेरे को और मेरे को अभी भी ऑप्शन चाहिए मेरे को ज्ञानी बनना है तो ज्ञानी बनोगे तो फिर क्या होगा? कोई 7.19 का ट्रांसलेशन पड़ेगा 7.19 भगवद्गीता 7.19। मैं पढ़ू प्रभु जी? यस माता जी। का भी 45 कोई तैयार रखेगा 6.45 भी पढ़ना है इसके बाद और फिर 12.67 का भी पढ़ना है ट्रांसलेशन। सातवां अध्याय में 19वां श्लोक है। अनेक जन्मांतर के बाद जिससे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बताया गया ना ज्ञानी भी है अनेक जन्मों के बाद वो आएंगे भगवान के पास। ठीक है योगी का योगी अगर कोई बोले कि नहीं मेरे को योगी बनना है तो योगी का कैसे बताया गया 6.45? Yes, I'll read, प्रभु जी। Yes, ma'am. और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत तो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। थैंक यू माता जी। तो योगियों का भी ऐसे बताया कि अनेक जन्मों के बाद वो अनेक जन्मों के बाद वो ऐसे स्थिर पर पहुंच सकता है जहां पे वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और मतलब सबसे सिंपल भक्तों के लिए क्या बताया गया 12.67 पे? प्रभु जी मैं पढूं? हाँ पढ़िए माता जी। जो अपने सारे कार्यों को मुझमें अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं उनके लिए हे पार्थ
मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। थैंक यू माता जी। तो भक्तों के लिए क्या बताया, आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ऐसा नहीं कि बहुत जन्म लगेगा, कि इतने जन्म लेने पड़ेंगे, अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, ऐसे नहीं। भक्तों के लिए भगवान का सीधा आदेश है, बोलते हैं कि मैं स्विफ्ट डिलीवरर हूं, मैं आपको तुरंत इस जन्म मृत्यु के ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ से मैं आपको मुक्त कर दूंगा। ठीक है, तो फिर हम लोग ये भक्ति कैसे कर सकते हैं? तो ये भक्ति कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी लास्ट लाइन पे जैसे बताया गया है, जैसे ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट सेजेस एंड डिवोटीज लाइक मैत्रेय एंड विदुरा। तो मैत्रेय जी ने जिस प्रकार से विदुर जी को बताया और विदुर जी ने किस प्रकार से वो ज्ञान को एक्सेप्ट किया, उसी प्रकार महाराज परीक्षित एंड सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी ने किस प्रकार महाराज परीक्षित को उपदेश दिया और महाराज परीक्षित ने किस प्रकार उन आदेश को अपने जीवन में पालन किया। तो ये सब इन लोगों के हम लोग फुटस्टेप्स में अगर चलेंगे तो फिर हम लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां पे दिया गया एंड एंगेज सॉरी इसमें कैसे बताया गया, वन हैज टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट सेजेस एंड डिवोटीज लाइक मैत्रेय एंड विदुरा महाराज परीक्षित एंड सुखदेव गोस्वामी एंड एंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। इफ वन वुड नो हिज अल्टीमेट फीचर विच इज अबव ब्राह्मण एंड परमात्मा। तो अगर ब्राह्मण और परमात्मा के ऊपर आपको समझना है भगवान के बारे में, तो भक्तों का जो है वो चरण चिन्हों के ऊपर हमें चल के हम तभी भगवान को समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज पे स्ट्रेस किया गया है, ऐसे बोला गया ना कि भगवान के भक्तों के साथ रहकर ही हम ये चीज समझ सकते हैं। हम लोग अगर अकेले ही बोले कि हम लोग अकेले ही भक्त बनना चाहते हैं या अकेले ही भक्ति करेंगे और हम लोग सिद्ध हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको भगवान के भक्तों के बीच में ही रहना पड़ेगा। क्यों, मैं एंड करूंगा एक स्टोरी बोल के, ठीक है ना। यहाँ पे एक मतलब जोक जैसा ही स्टोरी है। तो इसमें कैसे होता है कि एक ब्राह्मण जो रहता है ना, एक ब्राह्मण एक छोटे से बछड़े को खरीदा रहता है, मतलब मार्केट से बछड़े को खरीद के आता है। तो फिर वो क्या करता है कि ये बछड़े को अपने कंधों के ऊपर बिठाता है और फिर आता रहता है, घर पे जाते रहता है। तो फिर वहां पे ना तीन डाकू लोग दिखते हैं, डाकू लोग उसको देखते हैं वो ब्राह्मण को, तो बोलते हैं कि ये बछड़े को हमें चुराना है। तो फिर वो क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। तो चार पांच लोग रहते हैं ना, तो भेष अलग अलग बदल बदल के आते रहते हैं। थोड़े जैसे वो ब्राह्मण थोड़ा आगे चलता है ना, तो एक डाकू उसमें से आता है, बोलता है अरे ब्राह्मण जी, ये बकरी को अपने कंधे के ऊपर क्यों बिठाया हो, ये बकरी को नीचे छोड़ दो, आपका ब्राह्मणत्व पूरा नष्ट हो जाएगा। तो फिर वो ब्राह्मण जी बोलता है नहीं नहीं छे क्या बकरी बोल रहे हो, ये गाय का बछड़ा मैंने कंधे पर बिठाया। तो थोड़ा आगे चलते है, फिर दूसरा डकैत आता है उसमें, वो बोलता है अरे ये कुत्ते को क्यों बिठाया हो अपने कंधे के ऊपर, ये आपका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा, आप ऐसे कैसे कर रहे हो। तो फिर ये जो ब्राह्मण रहता है ना, उसके मन में थोड़ा शंका होने लगता है कि अरे ये क्या क्यों बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक ने घोड़ा बोला सॉरी बकरी बोला, अभी ये कुत्ता बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो तीसरे जगह पे तीसरे थोड़ा आगे जाते हैं, तो तीसरा डकैत आता है, बोलता है कि अरे अरे ये क्या कर रहे हो, इसको कुछ और बोलता है, कोई और जानवर को अपने कंधे के ऊपर क्यों बिठाया हो, ये इसको नीचे रख दो, आप है ना ब्राह्मण हो, आपका पूरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली स्टोरी हम लोग को समझने के लिए। तो ब्राह्मण उस टाइम पे क्या करता है, वो है ना गाय के बछड़े को नीचे छोड़ता है और भाग जाता है वहां से, बोलता है कि अरे बाप रे पता नहीं मैंने कौन से जानवर को लाया हूं, कभी किसी को बकरी दिख रहा है या कभी कुत्ता दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। तो ये ऐसा कंडीशन है, जो माया है ना वो अपना भेष बदल बदल के आएगी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हर चीज। लेकिन ये चीज में अगर आपको सतत या फिर आपको एक फर्म पाथ पे रहना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, कि वो ब्राह्मण जो है वो कैसे बच सकता था इस सिचुएशन से? कि उससे अन्य लोगों के बातों पर विश्वास न रखते हुए अपने खुद के आत्मविश्वास में अगर वो दृढ़ रहता था, तो वो बाकी के जो शब्द है उसे बिलीव नहीं करता था। यस माता जी, वो एक पॉइंट में ठीक है, लेकिन फिर प्रॉब्लम कैसा था ना, आपके पास भले ही कितना भी ज्ञान हो, अगर कोई व्यक्ति आपको आके बार 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 ये बोलता है अरे तू नहीं गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये ऐसा नहीं होता वैसे नहीं होता ऐसा होता ऐसा होता, तो अगर कोई आकर आपको बार बार बोलता रहे ना, तो आपका भले ही आपका कितना भी स्ट्रांग ये रहे कॉन्फिडेंस रहे, आपका हिलने लगता है थोड़े टाइम के बाद। लेकिन इसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर आप भक्तों का संग करते हो, गुरु
साधु और शास्त्र का संग करते हो तो आपको वो मार्ग में रखेंगे, बोलेंगे कि अगर आपको कोई ऐसे आकर बोलेगा तो आप जाके पूछ सकते हो भक्तों से या फिर गुरु से अपने जाके पूछ सकते हो कि ऐसे बताया जा रहा है कि ऐसे सही है क्या, तो वो आपको करेक्ट लाइन पे लेकर आएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं उनका बात मत सुनो। तो वही कंडीशन में अगर वो जो ब्राह्मण था वो एक्चुअल में जो जिसने बछड़ा दिया था उसको उस व्यक्ति से जाकर पूछे या फिर कोई साधु या गुरु से पूछे रहता है कि अरे क्या बोल रहे हैं कि सच्ची में बछड़ा है कि नहीं, ऐसा पूछा रहता तो उनका बच गया रहता है ना। तो यही कंडीशन है हम लोग का, तो हमें भक्तों का संग करना है, शास्त्र का अध्ययन करना है और गुरु के आदेशों का पालन करना है, तो इसी प्रकार हम भगवान के भक्ति में रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सॉरी अगर मेरी कुछ गलती हुई तो क्षमा कर दीजिएगा।